Friends, good morning. In your last lecture, as we have studied about the agriculture and its practices in India, so in that lecture we have already covered the various agriculture types of farming. So we have already covered the factors influencing agricultural activities. We have covered subsist type of agriculture, in which various type of agriculture we have gone through. Now today, in today's lecture, we are going to study about this mixed farming. अब mixed farming किसे कहते हैं? Mixed farming, देखिए दो बातें होती है, एक होती है mixed cropping और एक होती है mixed farming. ठीक है, mixed cropping और mixed farming में अंतर यह है कि mixed farming कहता है कि ऐसी farming जिसमें हम cultivation भी करें, cultivation of crops हो, मतलब जो भी हम फसल उगाएँ फसलों की भी हम एक तरीके से उपज लें, फसलों की भी खेती करें, और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी हो, यानी हम जानवरों को भी पालें ऑन द सेम पार्ट ऑफ द लैंड, यानी सेम फार्म. यहाँ देखिए लिखा हुआ ऑन द सेम फार्म. जब ये दोनों चीज़ें एक ही फार्म पे हो तो उसको हम मिक्स फार्मिंग बुलाते हैं. मेजर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, बार्ले, ओट्स, रागी, मेज, ये सब एंड रूट क्रॉप्स जो हैं उसके थ्रू हम कर सकते हैं. फूडर क्रॉप्स आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्स फार्मिंग, है ना, जो जिससे हम लाइफ स्टॉक या चारा वाली जो फसलें होती हैं वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मानी जाती है मिक्स क्रॉपिंग की, मिक्स फार्मिंग की. एनिमल रियर्ड ऑन दीज फार्म्स इंक्लूड कैटल, जो जानवर पाले जाते हैं ऐसे फार्म पे, उनमें कैटल्स आते हैं, पिग्स आते हैं, शीप और पोल्ट्री, ये सब मिक्स फार्मिंग में आते हैं. अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लें. मिक्स फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन हाईली डेवलप्ड कंट्रीज इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप. ये ज़्यादातर उच्च विकसित देश जो है वो मिक्स फार्मिंग की टेक्निक अपनाते हैं. ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया में, और पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में, यानी हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में. इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल, चूँकि इसमें एनिमल रियरिंग होती है इसलिए इसमें ये श्योर है कि कहीं ना कहीं कैपिटल ज़्यादा लगेगी. सो इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर मशीनरी, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. नो डाउट अगर आप एनिमल रियरिंग करेंगे तो आपको ये सब चाहिए ही होगा. केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मेन्योर इज़ यूज ऑन द फार्म्स टू मेनटेन सॉइल फर्टिलिटी. केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी केमिकल जो उर्वरक होते हैं, रासायनिक उर्वरक हुए. ग्रीन मेन्योर मतलब ऐसे फर्टिलाइजर्स जो ग्रीन होते हैं, जैसे कि दो पेड़ होते हैं उनका नाम होता है सनई और ढेचा. ढेचा और सनई जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इन पत्ते होते हैं, इनमें हम इनको हम जब खेत खाली होते हैं तो इनको जुताई करके इन पौधों के बीज को लगा देते हैं, और इससे जो उपज होती है उसको हम फिर से जुताई करके उन पौधों को उसी में रहने देते हैं, वो जल्दी से सड़ जाते हैं, उसको हम ग्रीन मेन्योर कहते हैं और खाद का काम करते हैं. ऑन द फॉर्म्स ऑफ द मेनटेन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होती है. फार्मर्स आर हाईली स्किल्ड एंड एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज इज यूज इन दीज फार्म्स. जिसके फार्मर्स होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं, वो ऐसे नहीं कि नॉर्मल फार्मर्स होते हैं, जिनको मिक्स फार्मिंग करनी होती है वो हाईली स्किल्ड होते हैं और एग्रीकल्चरल में. दूसरी चीज़ कि ना सिर्फ वो एग्रीकल्चरल एक्सपर्टीज होते हैं बल्कि हाईली स्किल्ड भी होते हैं जो इस फार्मिंग को करते हैं. अब हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की. कैटल प्रोवाइड अस विथ मोर फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क दैन मीट. जो जानवर होते हैं ये हम लोगों को मोर फूड, ज़्यादातर खाना मिल्क के रूप में, जितने भी प्रोटीन विटामिन है जो उसके फ्लैश से आ सकता है उससे ज़्यादा ये उसके दूध के रूप में हमको दे देते हैं. नियरली ऑल कमर्शियल मिल्क प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम डेयरी फार्मिंग. लगभग जितने भी व्यापारिक रूप से जो दूध का उत्पादन होता है वो कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग से ही आता है, डेयरी के ही थ्रू आता है. द मेन रीजन्स ऑफ कैटल फार्मिंग आर, जो कैटल फार्मिंग का मेन रीजन जो है, जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है,
यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका द इन्वेंशन ऑफ द मिल्किंग मशीन इनेबल 80 काउस टू बी मिल्कड बाय द सिंगल वर्कर। जो मिल्किंग मशीन का इन्वेंशन हुआ तो मिल्किंग मशीन जो होता है वो एक साथ 80 काउस का जो मिल्क है वो निकाल सकता है। मिल्किंग मशीन एक काम करता है और वो एक आदमी ही इसको परफॉर्म कर सकता है। इट इनेबल 80 काउस टू बी मिल्क्ड इन अ सिंगल वर्कर। द मॉडर्न मिल्किंग पार्लर इक्विप्ड विथ ईयर राउंड शेल्टर एंड एनिमल फीड हैज़ मेड दिस इंडस्ट्री वेरी प्रोडक्टिव। जो इस समय के जो मॉडर्न डेयरी फार्म्स हो गए हैं वो इक्विप्ड हैं, उसमें ढेर सारी टेक्नोलॉजी आ गई है और उन्होंने ये जो पूरा सिस्टम है उसको और इजी कर दिया है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एनिमल फीड एज दिस इंडस्ट्री वेरी प्रोडक्टिव, इससे प्रोडक्टिव हो गई है, बहुत जल्द ज़्यादा उत्पादन हो रहे हैं। तो क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ मिल्क हैज़ इम्प्रूव ड्यू टू साइंटिफिक मेथड ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग। चूँकि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इम्प्रूव हो गए हैं क्योंकि अब साइंटिफिक मेथड से हम ब्रीडिंग इस्तेमाल करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेफ्रिजरेशन पेस्चराइजेशन हैज़ इंक्रीज द स्कोप ऑफ डेयरी फार्मिंग। धीरे धीरे क्या हुआ है कि पहले जो दूध बर्बाद हो जाते थे उनको अच्छे से प्रिजर्व नहीं कर पाया जाता था और ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे, उसके लिए रेफ्रिजरेशन हुआ पेस्चराइजेशन हुआ, है ना, उससे डेयरी फार्मिंग में ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है। और हम देखे हैं कि पिछले कुछ दिनों में डेयरी अचानक से बहुत ग्रोथ कर गया है क्योंकि ये इसेंशियल नीड है। इट इज़ अ हाईली एडवांस मेथड ऑफ फार्मिंग विच इन्वॉल्व्स इफिशियंट रेयरिंग ऑफ मिल्च काउस। ये जो है बहुत ही एडवांस मेथड ऑफ फार्मिंग है, ठीक है। एम्फेसिस ऑन कैटल ब्रीडिंग, इसमें कैटल ब्रीडिंग हेल्थ केयर एंड वेटरनरी सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं डेयरी फार्मिंग में। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें भी रिक्वायर्ड होता है चूँकि एनिमल शेड स्टोरेज फैसिलिटी फूडर फीडिंग मिल्किंग मशीन एट्सेट्रा लगते हैं। सिंस दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व्स रिगरस केयर ऑफ फीडिंग एंड मिल्किंग, इसमें हमेशा गाय या जो भी भैंस है उसको चारा खिलाना हुआ मिल्किंग करना हुआ, लॉट ऑफ लेबर इज़ रिक्वायर्ड, इसमें बहुत सारा वर्क फोर्स रिक्वायर्ड होता है, इसमें बहुत सारी मजदूरी रिक्वायर होती है। मोर ओवर देर इज़ नो ऑफ सीजन एज एनिमल्स रिक्वायर प्रॉपर केयर फॉर ऑल ईयर राउंड। और कोई ऑफ सीजन इसमें नहीं होता चूँकि उनको साल भर देखभाल करनी पड़ती है। दीज फार्म्स आर फाउंड क्लोज टू अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, ऐसे फार्म ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज के बगल में मिलते हैं। प्रोवाइड रेडी मार्केट्स फॉर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, और ये जो होते हैं वो एक तरीके से रेडी मार्केट होते हैं किसके लिए, मिल्क के लिए और डेयरी प्रोडक्ट के लिए, बगल में ही रहता है। अब हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर इज ए स्पेशलाइज टाइप ऑफ फार्मिंग लेज एम्फसाइज ऑन द ग्रोथ ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स विच आर सोल्ड इन थिकली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज। इट इज लार्जली प्रैक्टिस इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड द मेडिटेरियन रीजन्स। द नीदरलैंड इज अ फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हार्टिकल्चर क्रॉप्स। हार्टिकल्चर बेसिकली होता क्या है, हार्टिकल्चर क्या होता है, इसमें हम फलों के बारे में फूलों के बारे में और सब्जियों के बारे में जो भी हम पैदावार लेते हैं वो हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। ज़्यादातर यूरोप नॉर्थ वेस्ट यूरोप नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड जो मेडिटेरियन क्षेत्र है वहाँ पे ये ज़्यादा उपजाए जाते हैं। नीदरलैंड इज़ फेमस इसके लिए, नीदरलैंड जो है वो क्या है, फेमस जगह है हॉर्टिकल्चर के लिए। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। फिर क्या कह रहे हैं, अब बात कर रहे हैं कैटल रियरिंग की, कैटल फार्मिंग। आप सभी जानते हैं डेयरी इज़ अनदर थिंग। नाउ कैटल फार्मिंग आर द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर एनिमल प्रोवाइडिंग मिल्क मीट मसल पावर। इससे हमें कैटल फार्मिंग से सब कुछ मिलता है, हमें मीट मिलता है, हमें मिल्क मिलता है और मसल पावर भी, उसका कैटल का इस्तेमाल भी हम करते हैं। इन इंडिया कैटल आर यूज फॉर मिल्क एंड ड्रॉट एनिमल्स एज ड्रॉट एनिमल्स फॉर मिल्क एंड एज ड्रॉट एनिमल्स, है ना, एक तरीके से ये सूखे में बड़ा मदद करते हैं। टुडे कॉमर्शियल कैटल फार्मिंग इज
आइदर इंटेंसिव एज इन नॉर्थ यूरोप और एक्सटेंसिव एज इन नॉर्थ अमेरिका, या तो ये एक्सटेंसिव है या ये इंटेंसिव है। इन द ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका लार्ज नंबर ऑफ कैटल आर रेज्ड बाई नोमैडिक हर्ड्समैन। ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका में लार्ज नंबर ऑफ कैटल, बहुत बड़ी संख्या में कैटल आर रेज्ड बाई नोमैडिक हर्ड्समैन, जो घुमंतू टाइप के लोग होते हैं वो कैटल को देखभाल करते हैं। नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया वेयर लैंड इज एक्सटेंसिवली अवेलेबल, कैटल आर केप्ट ऑन इन रेंचेज एंड आर टेकन केयर बाई काउबॉयज। अफ्रीका में, स्पेन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे लैंड बहुत ही एक्सटेंसिवली अवेलेबल है आराम से, कैटल आर केप्ट इन रेंचेज, कैटल्स को उनके लिए अलग से जगह होती है, अस्तबल होते हैं, है ना, उनको वहाँ रखा जाता है और उसके उसको देखभाल करने के लिए काउबॉय रखे जाते हैं, काउबॉयज। इन ब्रिटेन, हॉलैंड, डेनमार्क एंड जर्मनी कैटल आर केप्ट इनडोर्स इन विंटर एंड फेड ऑन स्टोर्ड फूडर्स सच ए हे। उनको अंदर रखा जाता है विंटर के समय में और पहले से ही जो चारा होते हैं स्टोर्ड फूडर, है ना, जैसे कि पुआल, घास, जो हे, ये उन्हें दिया जाता है। मॉडर्न इंटेंसिव प्रोडक्शन रिक्वायर्स एनिमल्स टू बी केप्ट इनडोर फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। आज के टाइम पे जो इंटेंसिव प्रोडक्शन हम जो चाहते हैं उसके लिए एनिमल को हमको इंडोर में रखना पड़ेगा फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, ज़्यादातर सालों में। दे आर फेड ऑन कैटल के ग्रेन, रूट क्रॉप्स एंड कैबेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो खाते हैं, है ना, जिसमें कि आप ग्रेन्स हैं, रूट क्रॉप्स हैं, है ना, जो जड़ों वाले जो ये होते हैं, कैबेज होते हैं, है ना, गोभी है और बाकी चीज़ें। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैटल आर रेज्ड इंटेंसिवली स्पेशली नियर बिग सिटीज़, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अक्सर करके ये बड़े शहरों के बगल में होते हैं। द टू मेन फीचर ऑफ दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इंक्लूडेड ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग, यानी ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग, ये देखिए लिखा हुआ साइंटिफिक ब्रीडिंग, साइंटिफिक तरीके से ब्रीडिंग इनका बनाना। हैवी इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग मशीनरी, वेटनरी सर्विसेज, हीटिंग एंड लाइट, इसके लिए भी आपको हैवी एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग इज़ पॉपुलर इन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज वेयर फार्म आर स्मॉल, जहाँ पर ज़्यादा घनत्व वाले देश हैं वहाँ पर हमें कोऑपरेटिव फार्मिंग की ज़रूरत पड़ती है। डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज वेयर फार्म्स आर स्मॉल एंड इंडिविजुअल फार्मिंग इज अनइकोनॉमिकल, वहाँ पे फार्म यानी जो जगह है वो छोटी है और व्यक्तिगत लोग जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए इकोनॉमिकल नहीं, अनइकोनॉमिकल, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा खर्चे की है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स वॉलंटरी पूल देयर लैंड रिसोर्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसी जगहों पे जो किसान होते हैं वो अक्सर करके आपस में मिल लेते हैं, सामुदायिक रूप से आपस में मिल करके एक कॉमन ज़मीन को पुल देयर लैंड, अपनी ज़मीनों को इकट्ठा करते हैं और उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके सामूहिक रूप से कोऑपरेटिव से फार्म हेल्प पीपल टू अटेन लोन्स टू बाय एंड हायर द मशीनरी, है ना, तो ये चीज़ उनके द्वारा होती है। गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, और उसके बाद वो गुड क्वालिटी सीड खरीदते हैं, फर्टिलाइजर खरीदते हैं। दे प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट्स एंड सेल देम अ प्रॉफिटेबल रेट्स, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपर रेट, ठीक है, मतलब कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट होगी उसको इनिशियली प्रोड्यूस किया जाएगा एज ए चीपर रेट्स, वो सस्ते दाम पे, बट सेल देम एट अ प्रॉफिटेबल रेट, लेकिन जब उसको बेचा जाएगा तो प्रॉफिट देखते हुए बेचा जाएगा। सच फार्म्स आर वाइडली फाउंड इन यूरोपियन कंट्रीज, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे फार्म पाए जाते हैं, सच एज डेनमार्क, द नीदरलैंड एंड द नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली एट्सेट्रा। इन इंडिया कोऑपरेटिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, इंडिया में तीन जगह पे ये प्रैक्टिस होता है, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट तीनों जो है तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जाता है। अब बात करते हैं द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन LTD लिमिटेड GCMMF, जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, फेडरेशन मतलब संघ,
तो गुजरात का जो कोऑपरेटिव संघ है GCMO, द फाउंडर ऑफ अमूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। अमूल का भी जो फाउंडर थे वर्गीस कुरियन सर, उनको एक तरीके से माना जा सकता है कोऑपरेटिव फार्मिंग के जनक। इट इज़ अ डायरी कोऑपरेटिव, अमूल इनिशिएटेड द वाइट रिवोल्यूशन विच मेड इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, है ना। अमूल ने इनिशिएट किया था वाइट रिवोल्यूशन का, अमूल इनिशिएटेड, तो जो सफ़ेद क्रांति आई उससे उसको कहीं ना कहीं अमूल की वजह से ही ये लॉन्च हुआ था, विच मेड इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। और उससे क्या हुआ कि शहरों में दूध की मात्रा बढ़ गई और धीरे धीरे गांव से लोग बहुत ज़्यादा दूध इकट्ठा करने लगे और जितना था उससे कम में काम चलाने लगे, बाकी सरप्लस जब ऐसे दान पात्र जगहों पे कि जहाँ भारत के लोग रिफ्यूजी बन के रह रहे हो वहाँ पे दे दिया जाए। तो अमूल इनिशिएटेड द वाइट रिवोल्यूशन विच मेड इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। और इससे क्या हुआ, इंडिया का जो मतलब प्रोडक्शन था वो पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आ गया। इंडिया मेड इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेजिटेशन चीज़ ब्रांड। अरे अब तो अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेजिटेरियन चीज़ ब्रांड, मतलब एक तरीके से वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेजिटेरियन चीज़ ब्रांड ये बन गया था, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एट द वर्ल्ड। तो ये बड़ा अच्छा इसमें लगा। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग क्या कहता है, कलेक्टिव फार्मिंग कहता है ऑल्सो नोन एज कम्युनल फार्मिंग। ये भी एक तरीके से कोऑपरेटिव फार्मिंग जैसा ही है, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, प्रोडक्शन जो इसका क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन विद द होल्डिंग्स ऑफ मेनी फार्मर्स आर ऑपरेटेड एज जॉइंट एंटरप्राइज। इन द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मेंबर ओनर्स एंगेज जॉइंटली फार्मिंग एक्टिविटीज। जो कलेक्टिव फार्मिंग होता है, कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है, मेंबर ओनर्स जो उसके मालिक होते हैं ज़मीन के, इंगेज जॉइंटली इन फार्मिंग एक्टिविटी, वो एक दूसरे को मिल करके फार्मिंग एक्टिविटीज़ में अपना वर्क करते हैं। फिर क्या है, द कलेक्टिव फार्म्स रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन ओनरशिप। कलेक्टिव फार्म्स रन ऑन द प्रेशर ऑफ, एक तरीके से कलेक्टिव फार्म्स कैसे होते हैं, कम्युनल फार्मिंग इनको बोलते हैं, एक दूसरे का हेल्प करके। इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इज़ होल्डिंग इन मेनी फार्म्स आर ऑपरेटेड एज जॉइंट एंटरप्राइज। ये एक तरीके से लगता है जॉइंट एंटरप्राइज चल रहा है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मेंबर्स ओनर्स इंगेज जॉइंटली इन फार्मिंग एक्टिविटीज़। इसमें फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए मेंबर्स आपस में मिल करके करते हैं। कलेक्टिव फार्मिंग आर रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ रिसोर्स एंड ऑन पूलिंग ऑफ इनकम एंड लेबर। इसमें रिसोर्स के ऊपर एक कॉमन ओनरशिप सबकी रहती है, है ना, सबको लगता है कि वो सबका है, है ना, ऐसा सामुदायिक रूप से। द कोल खोजी ड्यूरिंग द काउंट्री वाइड कलेक्टिवाइजेशन कैंपेन ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग 28 से 33 इन एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड कलेक्टिवाइजेशन। द किबूत जिम इज इजराइल वर ट्रेडिशनली क्रिएटेड थ्रू वॉलंटरी कलेक्टिवाइजेशन एंड वर गवर्नड एज डेमोक्रेटिक एंटिटीज। एज डेमोक्रेटिक एंटिटीज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक कलेक्टिवाइजेशन, है ना। इससे आप डेमोक्रेटिक कलेक्टिवाइजेशन के बारे में भी जानेंगे, इकट्ठा करके कोई चीज़ मांगना या जानना। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द गवर्नमेंट सेट्स द अर्ली टारगेट फॉर द फार्मर एंड द प्रोड्यूस सोल्ड टू द स्टेट एट फिक्स्ड प्राइस। ऐसे कलेक्टिवाइजेशन फार्मिंग जहाँ होती है वहाँ पहले से ही सरकार तय कर लेती है कि भाई हम इसी रेट पे बेचेंगे। द एक्सेस प्रोड्यूस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स ऑफ द कलेक्टिव फार्म्स और सोल्ड इन द मार्केट। आप चाहे तो मार्केट में बेच सकते हैं या फिर जो गवर्नमेंट सेट एयरली टारगेट, गवर्नमेंट जो टारगेट सेट करती है फॉर द फार्मर्स प्रोड्यूस सोल्ड टू द स्टेट एट फिक्स प्राइस, या तो स्टेट ले ले फिक्स प्राइस में। द एक्सेस प्रोड्यूस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स ऑफ द कलेक्टिव फार्म आर सोल्ड इन द मार्केट। जो एक्सेस होता है वो आपस में बांट दिया जाता है या मार्केट में बेच दिया जाता है। द फार्मर्स हैव टू पे टैक्सेस ऑन देम प्रोड्यूस हायर मशीनरी एट्सेट्रा। फार्मर्स अपने यहाँ पे जो भी चीज़ें उस खेत के लिए इस्तेमाल की गई होंगी उसमें वो टैक्स पे करता है। द
फार्म मैनेजमेंट पेज द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव फार्म अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर वर्क। जो फार्म मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट पेज द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव फार्म, जो कलेक्टिव फार्म के सदस्य हैं उनको वो अपने तरफ से पे करता है। ठीक है, द फार्म मैनेजमेंट पेज द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव फार्म अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर वर्क, उनके वर्क के हिसाब से उनको पे करता है। नाउ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्या चीज़ होती है? इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इन विच इसमें साइट्रस फ्रूट्स आर चीफली ग्रोन। साइट्रस हुआ, फ्रूट हुआ, ये सब मुख्य मात्रा में उगाया जाता है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन रीजन ब्रॉडनिंग द मेडिटेरियन सी। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन रीजन्स, अपने क्षेत्र के लिए ये प्रैक्टिस किया जाना चाहिए था। ब्रॉडनिंग द मेडिटेरियन सी, जिन्हों ब्रॉडनिंग द मेडिटेरियन मेडिटेरियन सी, ठीक है, साउदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चाइल, साउथ अफ्रीका एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडिटेरियन एग्रीकल्चर यहाँ पे पाया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट वन की, विच इज विटीकल्चर। व्हाट इज दिस विटीकल्चर? सो विटीकल्चर एक्टिविटी प्रैक्टिस इन अ रीजन ऑफ हैविंग मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट के साथ साथ विटीकल्चर भी जानना जरूरी है। द एक्सटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स इन अ वाइन यार्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन इज कॉल्ड विटीकल्चर। यस, इट विल बी विटीकल्चर बिकॉज इट इज़ हैपनिंग समवेयर इन द विलेज, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ विटीकल्चर। प्रोडक्शन ऑफ वाइन इज कॉल्ड विटीकल्चर वाइल द बेस्ट क्वालिटी, जबकि जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, ग्रेप्स आर यूज्ड फॉर जो बेस्ट क्वालिटी होती है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स, जो अच्छे क्वालिटी के जो अंगूर होते हैं, आर यूज्ड फॉर वाइन मेकिंग, उनको वाइन मेकिंग में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। द इंफीरियर क्वालिटी इज ड्राइड इनटू रेसिंस एंड करंट्स। तो जो इन्फीरियर क्वालिटी होती है उनको सुखाया जाता है और फिर आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, एंड ड्राइड इनटू रेसिंस एंड करंट्स हम इस पर चर्चा करेंगे, और इसको फाइनली इसके एक्सरसाइज को आप कर लेंगे, और जैसे क्वेश्चन आंसर लगाने लायक रहे सो लोग तैयार रहेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कर लीजिएगा, इसको प्रीफ में समझा दूंगा, बाकी थर्ड और फोर्थ वी हैव टू डू दिस, थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज यानी डी और ई एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट द अर्लियर एविडेंस ऑफ कैंडिडेट क्रिएशन। कहीं ना कहीं फ्रॉम वेयर डू वी गेट द अर्लियर एविडेंस ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन। पहला क्वेश्चन कहता है कि आप कहाँ से अर्लियर एविडेंस पाते हैं क्रॉप कल्टिवेशन की, वही पुराने राजा महाराजों वाले टाइम की बात ही कर रहा है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि हम मतलब हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से इस चीज़ों को पा रहे हैं। नेम द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन अ प्लेस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, रिलीफ, सॉयल, ह्यूमन मेड, और नेम द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो इन्फ्लुएंस करने में ये चीज़ें आती हैं बीच में, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, रिलीफ, क्लाइमेट, ह्यूमन मेड एंड सॉयल, इतनी चीज़ें जो है इफेक्ट करती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन थैंक यू।